ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई हिंदू विरोधी मूवी तांडव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है उस पर विपक्षियों को जवाब देना चाहिए कि आखिर किसी दूसरे धर्म के संबंध में फिल्मकार इस प्रकार की टिप्पणी या फिल्मांकन क्यों नहीं करते। विपक्ष ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। तांडव पर बैन लगाने पर विचार किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए चेक को लेकर नरोत्तम ने कहा कि दिग्विजय सिंह के चेक पर शाब्दिक त्रुटि लग रही है, चेक बाउंस होगा और वे हिसाब मांगेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह सहयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वे हिसाब मांग सके। उनके चेक को देखकर लगता है उसमें शाब्दिक त्रुटि है, ये चेक बाउंस हो जाएगा और फिर वे राम मंदिर निर्माण में सहयोग राशि का हिसाब मांगेंगे। लेकिन देश की जनता जानती है कि विपक्षी हर अच्छे काम का विरोध करते हैं और जैसे ही विपक्षी विरोध करना शुरू करते हैं देश की जनता और अधिक एकजुटता से हमारे साथ खड़ी हो जाती है। विपक्ष ने पहले कोरोना वायरस का विरोध किया और अब श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे का विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा जनता ममता के तुष्टीकरण के फंडे को समझ चुकी है, जनता ममता दीदी के खिलाफ हो गई है। पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठिए और आतंकी तत्व चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर दे कि सहानुभूति ममता बनर्जी को मिल जाए जो चुनाव में फायदेमंद हो सके, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। देखो ममता दीदी समझ चुकी है कि अब जाने वाली है वो, और इसलिए उनका जो फंडा है तुष्टीकरण का वो अब उजागर हो चला है। मेरी भी मान्यता ऐसी है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, अलकायदा जैसे लोग वहां पर अशांति का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि बंगाल के अंदर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी सहानुभूति ममता जी को मिल जाए, जो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा है और वहां की जनता उस सरकार के खिलाफ हो गई। शुभेंदु जी का पूरा परिवार राजनीति में है, वहां उनके परिवार में सांसद भी हैं, उनके परिवार में विधायक भी हैं, वो खुद विधायक भी हैं, वो खुद मंत्री भी रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ममता जी को दिल्ली जैसी जैसी स्थिति दिल्ली में दीक्षित जी की हो गई थी वैसी स्थिति इनकी हो जाए। वो चेक मैंने जो पढ़ा उसमें तो कोई शाब्दिक त्रुटि लग रही है मुझे, जिससे वो बाउंस हो जाए। खैर वो बाउंस हो जाए या न हो ये अलग बात है, वो चेक दे भी इसीलिए रहे होंगे कि फिर वो हिसाब मांगे, क्योंकि इन सबके विरोध के बाद, इन सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद देश की जनता ने मन बना लिया है। अभी तक सर्वाधिक राशि राम मंदिर ट्रस्ट के पास पहुंच चुकी है। जैसे ही इनने टीके का विरोध किया कोरोना के का, वैसे ही सर्वाधिक लोग टीका कराने आ गए। तो भारत की जनता को मालूम है कि ये तो उल्टे ही चलते हैं, तो ये अगर विरोध कर रहे हैं तो चीज सही होगी, ऐसी मान्यता देश की जनता की बन रही है। सैफ अली खान की तांडव वेब सीरीज पर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ है उस पर अखिलेश यादव तांडव करते हैं। क्या आज तक किसी दूसरे धर्म पर कोई फिल्म टिप्पणी कर पाई है? ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों होती है? केंद्र सरकार से बात करके जो भावनाओं पर कुठाराघात करती है उस पे कोई नीति बने और रोक लगाने के लिए कहा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।